हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं MD प्लस यूट्यूब चैनल। क्या दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेटीएम वॉलेट का पैसा विदाउट आपके परमिशन उसको डेबिट किया जा सकता है? क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके पेटीएम का पैसा विदाउट आपके परमिशन उसको कोई भी चेक कर सकता है कितना पैसा है कितना नहीं है? जी हाँ दोस्तों, OTP की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही उसको एक्सेस किया जा सकता है और उसका बैलेंस भी चेक किया जा सकता है और उसको डेबिट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे होता है और हमें इससे बचना कैसे है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। हम इस वीडियो में आपको पूरा समझा देंगे आपको इससे बचना कैसे है और ये होता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पेटीएम ऐप ओपन करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे ही अपना पेटीएम ऐप ओपन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइन है, हमें इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। हम 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल करना है। हम नीचे को स्क्रॉल कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक पेमेंट सेटिंग। हमें यहाँ पे पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। हम जैसे ही पेमेंट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लिंक्ड ऐप्स एंड सब्सक्रिप्शन, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएगा। एक है ऐप लिंक विथ पेटीएम वॉलेट, एक है एक्टिवेट सब्सक्रिप्शन। तो हमें जो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ऐप्स लिंक विथ पेटीएम वॉलेट, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम का वॉलेट है अभी दो एप्लीकेशन से यहाँ पे लिंक्ड है, यानी कि दोस्तों एक है रिलायंस जियो, एक है एयरटेल। तो अगर दोस्तों ये जो रिलायंस जियो का ऐप है, अगर ये चाहे तो हमारे पेटीएम से पैसा कभी भी काट सकता है और ये बैलेंस भी चेक कर सकता है कि इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, मतलब विदाउट हमारी मर्जी को वो कर सकता है। दोस्तों, जो एयरटेल है ये भी कर सकता है, विदाउट हमारी मर्जी से हमारे पेटीएम वॉलेट से पैसा काट सकता है, उसमें बैलेंस चेक कर सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि आपका बैलेंस रिलायंस जियो या एयरटेल कैसे चेक कर सकता है विदाउट आपकी मर्जी। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको डी लिंक कर देना है। डी लिंक करने के लिए हमें यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। तो आप डिलीट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो है डी लिंक हो जाएगा। चलिए मैं डिलीट पे क्लिक करके और डी लिंक करके दिखा देता हूँ। हम जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें यस करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक यहाँ पे एयरटेल था वो डिलीट हो गया, अभी रिलायंस जियो वाला यहाँ पे बचा हुआ है। अब चलिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं अपना माई जियो ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा माई जियो ऐप ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे हमें 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जियो पे पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिया गया है हमारे पेटीएम वॉलेट में कितना बैलेंस है। यहाँ पे 14 रुपए दिखाया जा रहा है दोस्तों, ना कि हमें यहाँ पे कोई OTP डालना पड़ा, ना ही हमने यहाँ पे कोई पेटीएम का पासवर्ड डाला। फिर भी दोस्तों, यहाँ पे मैं उस पेटीएम वॉलेट को अपने माई जो ऐप से एक्सेस कर रहा हूँ विदाउट एनी परमिशन। तो दोस्तों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपना पेटीएम वॉलेट को, अपने पेटीएम वॉलेट को हर एक एप्लीकेशन से डी लिंक करके रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको डी लिंक कैसे करना है वो तो हमने इस वीडियो में बता ही दिया है। तो दोस्तों, आप अपने पेटीएम को डी लिंक करके रखिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी ही यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।